जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दुखद खबर भारतीय सेना के जवानों की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के गांव करकेड़ी के अमरपुरा ढाणी के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हनुमान राम जाट सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए। बता दें कि बीते 3 अक्टूबर को सिक्किम में तिस्ता नदी पर बाढ़ आ गई थी, जिसमें भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। उन्हीं में शामिल राजस्थान के रहने वाले भारतीय सेना के वीर सपूत हनुमान राम जाट भी थे। बता दें कि जवान की पार्थिव देह 17 दिन बाद 20 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में प्राप्त की गई। बता दें कि पार्थिव देह की शिनाख्त के बाद उनके घर परिजनों को सूचना दी गई। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि हनुमान राम जाट अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं शहादत की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। राजस्थान के वीर सपूत ने सिक्किम में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। जवान का तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह किशनगढ़ लाया गया है। शहीद जवान को उनके पैतृक गांव करकेड़ी क्षेत्र के अमरपुरा ढाणी में राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम विधि दी जाएगी। शहीद जवान हनुमान राम जाट के शीर्ष चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है। बता दें कि हनुमान राम जाट 2015 से माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। वहीं उनकी उम्र महज 29 वर्ष थी। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे गए। शहादत की सूचना घर परिजनों को मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ऐसे में आसपास के ग्रामीण उनके घर पहुंच शहीद परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। शहीद जवान का तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ मां भारती के लाडले बेटे को अंतिम विदाई दी जाएगी। 3 अक्टूबर को सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। उनमें से 10 जवानों के पार्थिव पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 20 अक्टूबर को सिलीगुड़ी से मां भारती के लाडले बेटे हनुमान राम जाट की पार्थिव देह बरामद की गई है। शहादत की खबर से क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। बता दें कि जवान का पार्थिव आज तिरंगे में लिपट कर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां प्रशासन की मौजूदगी में राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 अक्टूबर को सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए थे और उन्हीं में शामिल राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के गाँव करकेड़ी के अमरपुरा ढाणी के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हनुमान राम जाट भी शामिल थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य की बेदी पर वीरगति को प्राप्त कर लिया है। बता दें कि मां भारती के लाडले बेटे का पार्थिव राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए किशनगढ़ से उनके पैतृक गांव तिरंगा यात्रा के साथ पहुंचेगी, जहां शहीद परिजनों को अंतिम दर्शन करवाने के पश्चात उनके पार्थिव को सैनिक सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तत्पश्चात उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान हनुमान राम जाट के शीर्ष चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपसे भी निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आगे की अपडेट के लिए बने रहें अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।